तो हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। धीरे धीरे करके सब रेडी ले रहे हैं। ये रही हमारी रेड ब्यूटी, ब्लैक एंड रेड ब्यूटी। तो चलो ये पकड़ो, चलते हैं इस वाली गाड़ी को थोड़ी आगे करते हैं। तो भाई एक छोटी सी हमने पार्किंग बना रखी है अपनी बाइक खड़ी करने के लिए, क्योंकि हमारी गली बहुत कंजस्टेड है। तो भाई इसको निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ से, लेकिन तुम्हारा भाई निकाल लेगा। एंड उस गाड़ी को लॉक कर दियो। तो भाई हमारी बाइक हो गई स्टार्ट, बुलेट। इसका लॉक खोल लेता, लॉक लगा देता, खुला हुआ है, ऐसे ही लगा दे। यार एक वीडियो हो गई, वीडियो स्टार्ट नहीं थी हमारी, ये ब्यूटी हो गया हमारे साथ। खैर ये तुर्कमान गेट, हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। ये तुर्कमान गेट है और इसको मैं उल्टा पुर भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ कहीं से भी आ जाती हैं, कहीं से भी निकल जाती हैं। ये देखो आप, रॉन्ग साइड, सही साइड, बस चलाने से मतलब है। ये पुरानी दिल्ली में एक खासियत है, जब तक आप रेड लाइट दिल्ली गेट ही क्रॉस नहीं करोगे हेलमेट लगाएंगे नहीं। वैसे हमें भी है, हमने लगा लिया, और भाई सेफ्टी उसी में है, आदमी हेलमेट लगा के चले इंसान। अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर का एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन उनका तो बहुत एक्सपेंसिव हेलमेट था, फिर भी हेलमेट भी टूट गया। इसलिए सेफली चलाओ बस। रेड लाइट हमारे आते ग्रीन हो गई, ये अच्छी बात हो गई, वरना ये सबसे ख़तरनाक रेड लाइट है दिल्ली गेट की। ये आदमी इंसान खड़ा ही रहे यहाँ पे बहुत देर तक। पुरानी दिल्ली में ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल है। खैर अब तो हम नई दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, और अब थोड़ी गाड़ी को भगाया जाए। चल दिए हम कहाँ से कहाँ। तुम्हारा भाई गाता भी है गाड़ी चलाते चलाते, जब मूड अच्छा होता है वो गाली ही बहुत बकता है, लेकिन गालियाँ बकने की नहीं है यार, गालियाँ तो इतनी बकता हूँ मैं जब मेरा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे आड़े तेड़े चलाने वालों को गुस्सा आता ना, तो बहुत गाली निकल जाती है मुझसे, लेकिन मैं बकूंगा नहीं यार, अच्छा नहीं है। पता नहीं कौन ब्लॉग देगा कौन नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सब शिकायत करने लगते हैं ये क्या कर रहे हो। तो हम आई पी पे हैं इंद्रप्रस्थ। तुम्हें बहुत ज़बरदस्त एक अड्डा बताऊँ उतना, लेकिन छोड़ो यार, बेकार है, बेकार की चीज़ है। कमेंट्स में पूछ देना अगर किसी को पूछना है तो, वो अड्डा कहाँ पे है, कहाँ है दिखाओ। चूतिया है क्या भोसड़ी के? वो वे निकल गई, हाँ भोसड़ी का बोलो गाली बकती यार भाई, ये इनबिल्ट निकलती है देखो, क्या करूँ। हाँ बाबूला चौदह मरवाया। ये हम मोटो ब्लॉगिंग को एक अलग लेवल पे ले जा रहे हैं, एक अलग लेवल पे। हमारी कोशिश है बस एक अलग लेवल पे चले जाए ये ब्लॉगिंग। हमारी दो पार्टियाँ जो है वो अगला जावेद नहरी पे नहरी खाने गए, हम तो घर से खाना खा के आए हैं। तो भाई हमारे साथ एक फिल्म हो गई बहुत तगड़ी वाली, हमारे दोस्तों ने हमारा पागल बना दिया। ओगला तो हम पहुँच ही गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं वहाँ पे बहुत भीड़ है, हम यहाँ से निकल गए, हम आप हमें इंद्रप्रस्थ वाले रोड पे मिलो। अब यहाँ से हम इंद्रप्रस्थ वाले रोड पे जा रहे हैं। मसला ये है रेड लाइट ब्रेक नहीं कर सकते यार, रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ, और रूल्स हमारे लिए होते हैं यार, हमारी सेफ्टी के लिए। हेलमेट लगा के चलो, रूल्स को फॉलो करो, रैश ड्राइविंग ना करो, जान ज़्यादा कीमती है भाई, मरना तो है सबको लेकिन जान ज़्यादा कीमती है, थोड़ी सी भगा लेते हैं चलो। ये देखो ये भाई ने हेलमेट नहीं लगा रखा, गलत है यार, हेलमेट लगाओ। यार ये बहुत गंदी पिक्चर कर दी उन लोगों ने हमारे साथ, कोई नहीं, कभी की दिन बड़ी कभी की रात, मिसाल है तुम्हारे भाई के पास, एक से एक मिलेंगी सुनने को। बस ब्लॉग्स देखते रहना मेरे भाई।
स्ट्रेस रिलीजिंग ब्रॉन्स हैं मेरे। आपको हंसी भी आएगी, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। भाई ये रेड लाइट नहीं बढ़ रही तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है ना? ब्रेक नहीं कर रही, ये रेड लाइट खराब है। ख़राब थी हाँ, सॉरी। यार ये बंदे भी बड़ी मेहनत करते हैं, ये देखो आप मेरी जान राइडर बना हुआ है बिल्कुल ही। इंडिकेटर देखो आप, बंद ही नहीं कर रहा। ना कर भाई, तेरी मर्जी है। हाँ ये पापा का परा था और इतना लंबा इंडिकेटर दिया है। ओ हाँ, ये दिल्ली में ही मिलते हैं चूतिया। दिल्ली में क्या, ये इंडिया में ही मिलते हैं। हाथ से गाड़ी रोक देते हैं भाई, ये इनके पास टैलेंट होता है, हाथ से गाड़ियाँ रुकवा देते हैं ये। I'm a rider, go fighter. ब्रेकर है बाबू। भाई फोन करना जरा उनको, कहाँ पे हूँ। तो भाई जाम स्टार्ट हो गया है। इतना नहीं है, चलता हुआ जाम है। दिल्ली का जाम, आगरा की गर्मी और जयपुर की गर्मी फेमस है। अब तो दिल्ली में भी आगरा जयपुर वाली गर्मी यार, अभी तो खैर पड़ी नहीं, इतना अच्छा मौसम चल रहा है, लेकिन पड़ जाएगी कुछ दिन बाद। चलो थोड़ा भगा लेते हैं गाड़ी को। भाई एक बंदा बड़ा खतरनाक गाड़ी चला रहा है, ये देखें आप, बिल्कुल ट्रक वाले को देखें आप, विदाउट इंडिकेटर ओवरटेक। और ये आप राइडर देख रहे हैं मेरे आगे चल रहा है बिल्कुल, ये रेड टी शर्ट वाला घना राइडर है ये, बिल्कुल बंदा सही चला रहा है। दूसरे पेट्रोल पंप पे पहुंचना है, पहला पेट्रोल पंप तो आने वाला है भाई। अब जिनसे हम मिलने जा रहे हैं ना, वो बहुत खचरे लम्डे हैं, खचरे। एक का नाम है रेहान चुकी, दूसरे को कहते हैं जैद पागल। भाई जब भी आप रोडों पे बाइक चलाएं ना, तो या कार भी चलाएं, तो इन ट्रैवलर से बच के चलाएं। ये बड़े ख़तरनाक ट्रैवलर होते हैं, ड्राइव करते हैं बिल्कुल रैश, कहीं से भी ओवरटेक कर लेंगे, कहीं से भी कट दे देंगे, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, रेड एंड ब्लैक ब्यूटी भी अच्छी बात की है, जब से लिए भाई पहली बार भगा रहा हूँ इसको मैं, वरना बहुत तरीके से चलाता हूँ। ये देखो आप, इसको लेफ्ट में जाना है, लेकिन इसका इंडिकेटर, इसके कुछ भी अप दिया इंडिकेटर, ये है ट्रैवलर। बस मैं बकना नहीं चाहता गालियाँ, खैर छोड़िए इनको, जाने दीजिए, ऊपर वाला इनका भला करें। लेकिन देखा आपने, तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी, जो बता रहा था ना बिल्कुल सही बता रहा था। पहला पेट्रोल पंप पड़ेगा अब। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा में तेरे पैरों के निशान देखे, कहाँ हो वो रहे टिक गए। लड़के बहुत बढ़िया हैं, तारीफ करनी पड़ेगी। देखो आ मेरी जान, ये है जैद पागल। जैद तुम्हें मैंने इतना मिस करा, ये क्या बदतमीजी कर रहा हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी। वो कहा है रियान चुग्गी, ये देखो ये है इनकी बात है, सुड़ी फलाने, ये छत्ता लाल मियां के हैं ये। भाई रियान को लटवा आ गया था, लटवा मींस होता है उनको पी आ गई थी, सुसू आ गया था। वो क्यों कर रहा था फोन, जब तुम्हारे साथ बात हो रही थी तो यार मैं इनको वीडियो में ले नहीं पाया था। ये है हमारे भाई असीफ, हमारी जान। ये वहाँ से वीडियो स्टार्ट नहीं हुई, जो हमारे साथ बीटी हुई थी ना, वो वहीं से हुई थी। अब हम ये इंद्रप्रस्थ तो आ गए हैं, चलिए
अभी फिर डिसाइड करते हैं हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मुझे नहीं लगता आज ये लोग कहीं लेके जाएंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो गाइस ये आ गए दो लड़के और एक तो बने हुए बिल्कुल सुल्तान मिर्ज़ा। थोड़ी सी इसकी लाइट पड़ रही है यार पेट्रोल पंप की। ये देखो ये बिल्कुल सुल्तान मिर्ज़ा बने हुए हैं बिल्कुल। और ये अलवाज सैयद अलवाज अली हमारे ग्रुप के थोड़े। अबे अलवाज अपनी शक्ल तो दिखाओ बेटा, इधर आओ उजाले में आओ थोड़ी सी। हाँ इधर आओ बिल्कुल। नहीं आए नहीं, तुम दिखाओ, इधर आओ बेटा एक मिनट। हाँ अंधेरा आ रहा थोड़ा सा, दिन में दिखाऊंगा इधर। अरे यार तुमने बीट यार यही थे वो लड़के जिन्होंने हमें बीट दी है। ये रहा अलवाज भाई, ये बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है हमारे ग्रुप की। ये धीरे धीरे तुम समझ जाओगे क्या चीज़ है। तो भाई अब पता नहीं उन्होंने क्या डिसाइड करा है, बस अभी हमें फॉलो करना है गाइस। फॉलो करते 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 कहाँ ले जाएंगे ये कुछ नहीं पता। तो गाइस निकल गए हम, अब चलते चलते देखो कहाँ जाते हैं भाई। अभी तो कोई डिसाइडेड इन्होंने इनका डिसाइड ऐसे ही रहता है भाई मेरे दोस्तों का। गाइस ये कभी कहते हैं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं इनका यही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये जैद कुरैशी, जैद पागल, सुल्तान मिर्ज़ा देखेंगे आप। ये देखिए भाई, देखो ये मजाक में ना कुछ सीन आता है, रोड है तो हम केयरफुली चलेंगे। अब जितना मजाक होना था हो गया। एक गाना अलवास के लिए, तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मेरी ये जिंदगानी। ओपो सामने टॉगी है, एक्सीडेंट हो जाता भाई। संग तेरे निभानी, तुझ में बसी है मेरी जान, है जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। भाई जब भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है कि फुल एंटरटेनिंग ब्लॉग्स मिलेंगे आपको। कोटला फिरोशा की बैक साइड, और मुझे लग रहा है लंबे भंड है गाइस। आप इसे मोटो ब्लॉगिंग कह लो या नॉर्मल ब्लॉगिंग कह लो, लेकिन ब्लॉगिंग तो ब्लॉगिंग है। अब धीरे धीरे ट्रेन होते रहेंगे, करते रहेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे और करते रहेंगे। ये क्या कर रहा है, ये मेरी जुल्फे आ रही है मेरी आँखों पे। ये हमारे देश का झंडा, हमारा तिरंगा, हमारी चांद, ये हमारे दिल्ली गेट पे लगा हुआ है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम भी है, रेड फोर्ट भी है, सब है यहीं पे हमारे आसपास ये सब चीज़ें। गाइस ये देखो आप व्यू, ऐसा लगेगा आप थाईलैंड आ गए। होटल्स ही होटल्स थोड़े रोड ऐसे हैं, बाकी ऐसा लगता है थाईलैंड आ गए। काम भी थोड़े थाईलैंड वाले हैं यहाँ पे। तो भाई ये हम रुके हुए हैं रेड लाइट पे, जाम ही होता है इस वाली रेड लाइट पे। दिन में तो और होता है, अभी तो फिर भी कम है। ओफो तेरे यहीं पे चला, राइडर बनना पड़ता है यार थोड़ा सा। मैं क्या दिखाऊँ, वरना घर वाले देख के कहेंगे बंद करो। आपने कहा तो मैं बुलेट भी काट दूँ भाई साहब, पुराना राइडर हूँ मैं तो। मैंने राइडिंग छोड़ दी थी, अब स्टार्ट करी है। वहीं की गाड़ी में इंडिकेटर नहीं था, इन्होंने हाथ देके गाड़ी काटी है। तो भाई यह है पहाड़गंज का हमारा एरिया, अड्डे बहुत हैं यहाँ पे। चलो जी सबसे प्यारा पुलिस स्टेशन लगता है मुझे इस पे जो लाइटिंग हुई है। तो गाइस पहुंच गए हम बाड़े। ये जा रहा हमारा साधु, ये हमारे हाजी साहब भाई हैं। तो गाइस हम यहाँ आए खाना खाने। अरे वैसे फूड बहुत बढ़िया होता है इनका खाना, ये सैंडविच वगैरह बर्गर में। आज वाले बस
कैसे हाल है आपके? हंसते हुए देखो आप जैद कुरैशी को। भाई हम यहाँ पे हैं फेमस अल नसीम फूड शावरमा। भाई ये इतनी देर बाद आके रोल आ गया भाई जैद का। जैद एक रोल है तो पता नहीं कौन सा है। हाँ फ्री का, फ्री का तो आराम ढूंढना हो उसकी हलाली कमाई यार। बेचारे यार खड़े हैं बस उसका भी रोल आ गया। तो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से। हो गया शावरमा खा लिया सब कर लिया। अब यहाँ से हम अपने घर की तैयारी जाने की। अब निकल गए हम बाड़े से गाइस। अब फालूदा नहीं खाएगा फालूदा गाइस। ये बात चल रही थी फालूदा की, पता नहीं ये खिलाएं ना खिलाएं, तो इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं रहा कि हम फालूदा खाने जा रहे हैं या नहीं। देखो नसीब की बात है, अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे तो ये खिला दें फालूदा। भाई ये ज़रा दोस्तों की बातें हैं गाइस, ऐसी चलती हैं। तू खिला दे मैं खिला दूँ, उससे खा ले इससे खा ले। पाँच सौ रुपये का फालूदा? ओफो जैद तुझे क्या डिलाइट पे छोड़ना है? हाँ बादाम शेक पिला दे भाई मुझे तो। दो एक एक यार, दो की गुंजाइश नहीं है भाई, मैं खाना खा के आया हुआ। हम क्यों रुके हुए हैं भाई? देखो यहाँ पे हो रही है शादी और इन्होंने कर रखा है सब रोड ब्लॉक। मेरी चांद शादी है कुछ भी करो, कौन सा गाना? तो गाइस ये आ गए हम तुर्कमान गेट। अभी ज़रा उनसे रोक के कह दें कि अंदर फाटक तेलियान पे बादाम शेक या फालूदा खाने आ जाना। उल्टा पूरा आ गए हम। अरे यार मेरे दोस्त जो है ना बड़े गाइस, बस तुम्हें क्या बताओ, अब ये कह रहे हैं पार्किंग चलो पहले, अब पार्किंग जाओ फिर पार्किंग से आओ। चलो यार चल लेते हैं जैद साहब, अच्छी बात नहीं है। घबराहट होती है? कोई बात नहीं जैद, घबराहट को करने दो बस। घबराहट तो हो रही है गाइस मुझे भी बहुत ज़्यादा। देखो भाई धूम थ्री का जॉन रॉन्ग साइड आ रहा है बिल्कुल। अब धूम थ्री में तो जॉन था ही नहीं, धूम थ्री में तो जॉन था ही नहीं, धूम थ्री का आमिर खान। ये हमारी डिलाइट की पार्किंग। राधे बने हुए हैं, राधे राधे भैया। भाई मज़ा आ जाता है यहाँ से कार उतारने में। ये तो बाइक है, बाइक से ज़्यादा जब यहाँ पे कार उतारते ना भाई मज़ा आ जाता है बिल्कुल ही। ऐसी फील आती है जैसे वो कहते हैं ना मौत के कुएं में गाड़ी चलाना, वो वाली फील आ जाती है। ये अपनी टाटा पंच है और अपनी है तो फिर आओ गाना सुनना है शायद इसमें। ये इनको अपनी बंदगी याद आ रही होगी। कौन सी गाड़ी में बज रहा है गाना? गाइस आई एम टोटली कंफ्यूज, ये बच कहाँ रहा है? ये हमारे पार्किंग वाले चाचा हैं, यही गाड़ियाँ निकालते हैं और यही गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। इनकी एज पे मत जाओ, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं ये और बहुत बढ़िया इंसान है। दिल बादल बने आंखें बहने लगे। भाई जिंदगी में पागलबंदी भी थोड़ी जरूरी है। उल्टा पुरचो, ओ माय गॉड, यू लो। हाँ गाइज यहाँ की वीडियो रह गई थी हमारी, आधे टाइम की और मजे की वीडियो थी। खैर कोई बात नहीं, अब तो आते रहेंगे। अब हम फालूदा वाले पे जा रहे हैं यार। ये वाला बादाम शेक लूँगा भाई मैं तो, उसका
मैं नहीं खा रहा इसका फालूदा वालूदा। भाई मेरा बादाम शेक ले लियो। हाँ भाई फालूदा वाले से बादाम शेक तैयार करवाते हैं इससे। भाई देखो ये बन रहा है अपना फालूदा बादाम शेक। आइसक्रीम भी डालना है क्या? वो देखो बिल्कुल सोच में पड़ा रहता है यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। सही था पहले, बिल्कुल सही था पहले, पता नहीं अब क्या हो गया, सोच में पड़ा रहेगा जब भी देखो। जब 20 करोड़ आए थे उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया वो 20 करोड़। अब वो मिलने की संभावना नहीं है भाई। बादाम शेक हो गया हमारा, आगे से लड़ जाओ, देखने देना मेरे को। देखो पहली बार देख बादाम शेक है फालू का, 6 रुपए वाले को बनवा दूं ना 3 रुपए भाई। तो गाइस आ गए हैं हम घर। तो भाई ये रेड एंड ब्लैक ब्यूटी हमने खड़ी कर दी है। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, शब्बा खैर, आप सब अपना ध्यान रखें, बाय।